हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे। फ्राइडे वीक का सबसे प्यारा दिन। तो अभी बज चुके हैं 9:45, मतलब 10:05 है। तो आज का जो कंपनी का शेड्यूल है वो दो कॉल है मेरे पास, मतलब दो लोकेशन पे मुझे विजिट करना है। एक भांडुप है जिसमें मुझे ICICI बैंक में जाना है, वहाँ पे एक लेडी का लैपटॉप है वो चेक करना है, मतलब उसका बोर्ड मिला हुआ है मदरबोर्ड, वो मुझे अटेंड करना है। दूसरा है ओरेकल कंपनी जो है उसका एक यूज़र है, उसका प्रॉब्लम एक्चुअली जब मैं लास्ट टाइम अटेंड किया था उसके लैपटॉप में कीबोर्ड का इशू था और कीबोर्ड में पानी गया हुआ था। तो उसको कंपनी ने कोटेशन दिया था, तो कोटेशन उसने अप्रूव किया हुआ है, तो आज मैं वो रिप्लेस करने जाऊंगा। और आज फ्राइडे, उसके बाद नमाज अटेंड करेंगे दोनों कॉल के बाद। मैं दोनों कॉल अटेंड करके फिर वापस से आपसे मिलता हूँ। लास्ट फ्राइडे था होली, होली के दिन भी मैं एक्चुअली गया था पनवेल, वहाँ भी एक कॉल अटेंड किया था। चार्जर का कुछ इशू था लैपटॉप का, तो चार्जर मैंने रिप्लेस करके दिया था। एक्चुअली छुट्टी थी बट कंपनी अपने को सपोर्ट करती है, तो इसके लिए मैं कोई इश्यू नहीं है। कभी भी मैं कंपनी का काम करता हूँ क्योंकि सपोर्टेबल मैनेजर्स हैं, मेरा पूरा टीम है जो हम लोग साथ में काम करते हैं। तो मैं दो कॉल करके आपको मिलता हूँ, फिर बाकी का बात करेंगे अपन। वेलकम बैक, मैं आया हूँ काम करके। तो आज टोटल तीन कॉल थे मुझे, दो कॉल थे फिक्स पहले, तो बाद में एक कॉल और मिला मुझे एक्स्ट्रा। तो पहला कॉल का जो शेड्यूल था वो ICICI बैंक का था, मुलुंड का काम ख़त्म करके मैं अंधेरी ईस्ट में गया, अंधेरी ईस्ट मरोल में। वहाँ पे ICICI में एक मैंने मदरबोर्ड चेंज किया और उसका सीरियल नंबर अपडेट करके कस्टमर को रेडी करके दे दिया, कस्टमर खुश। तो फिर उसके बाद मैं गया मरोल अंधेरिस्ट में, वहाँ पे ओरेकल की एक यूज़र है, तो उसका एक्चुअली प्रॉब्लम था कीबोर्ड में पानी था उसके, तो पानी कवर नहीं होता वारंटी में। तो उसको कोटेशन गया हुआ था, कीबोर्ड उसने परचेस किया, तो 5,000 से 6,000 का कीबोर्ड आता है, क्योंकि कंपनी से अगर कोई पार्ट परचेस करते हैं तो कॉस्टली गिरता है और डायनाबुक के कोई भी पार्ट मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। तो कीबोर्ड रिप्लेस करके उसको क्लोज करके दे दिया, उसने मेल भी भेजा थैंक यू वेरी मच मेरी टीम को, और मेरी टीम को थैंक यू बोला। फिर नमाज पढ़ के बैठा ही था, फिर वापस से मुझे रवि का कॉल आया कि और एक कॉल है लीकर के लिए। तो भी बोला, वो भी अंधेरी वेस्ट का था, शॉपर स्टॉप के पास में, वो था ICICI बैंक का, वो भी एक कॉल था। उसका प्रॉब्लम ये था टच पैड वर्क नहीं कर रहा था उसका। तो फिर हो गया, 3 बजे यहाँ से निकला मैं, 3 से 4 के आसपास में कॉल अटेंड किया। टच पैड का उसका कुछ इश्यू नहीं था, मैंने अपना SSD लगा के उसमें उसको दिखाया कि ड्राइवर अपडेट कर ले, हो जाएगा इशू रिजॉल्व। तो वहाँ पे बाइक पार्किंग भी नहीं था, तो बाइक मैंने नॉन पार्किंग एरिया में लगाया था, मतलब रोड पर लगाया था, क्योंकि यहाँ की बाइक पार्किंग का प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर टोचन वाला लेके जाएगा तो फाइन 500 रुपीज़ है, 450 के आसपास है, 500 पकड़ लो तो एक बार का फाइन है ये। इसके लिए नॉन पार्किंग पे थोड़ा डर लगता है बाइक पार्क करने के लिए। तो जब भी मैं जाता हूँ किसी कस्टमर के पास, मैं पहले पूछता हूँ बाइक पार्किंग है क्या, क्योंकि मुंबई में बाइक पार्किंग का प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये है बाइक पार्किंग का प्रॉब्लम। तो फिर तुरंत मैं आके देखा तो बाइक खड़ी थी, तो वहाँ से आया मैं 4:30 के आसपास। तो ये था पूरा आज का मेरा शेड्यूल। तो 3 कॉल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आगे भी अपना जो ब्लॉग्स है वो अच्छे से करूँ, अच्छे से मीन्स घूमने फिरने में। एक्चुअली कैसा है तो बाहर घूमने के लिए मेरे पास फ़िलहाल मोबाइल है, मोबाइल को तो मैं पकड़ के बाइक चला नहीं सकता, तो अभी जब कैमरा लूँगा
चाहे वो गोप्रो हो जो फिक्स हो सके, या तो क्योंकि निजाम के जो है ना पेपर चालू है 10वीं के, तो एग्ज़ाम में बिजी है थोड़ा। तो अभी अपन आगे मैं ये प्लानिंग सोच रहा हूँ, मतलब एक प्लानिंग ये है कि जो कैमरा लूँगा या तो निज़ाम के अगर जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो उसको मोबाइल से यूज़ कर पाएंगे अपन, और अगर पैसा वैसा कुछ जमा हो जाएगा तो शायद GoPro ले लूँ मैं। तो जब GoPro आ जाएगा फिर वो इजी रहेगा कि हेलमेट में उसको लगा लेंगे तो थोड़ा लोकेशन भी आपको नया नया देखने मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ जो रिलेटेड टू काम से रहेगा मेरे, तो लोकेशन वाइज तो अभी नहीं बता पाऊँगा मैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हो सकता है कि जब कैमरा आ जाएगा मिल जाएगा मुझे तो बनाएंगे अपन वीडियोस, बाहर का लोकेशन भी आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों ये था आज का मेरा ब्लॉग, तो ये ब्लॉग अच्छा ही होगा जब तक, अगर अच्छा होगा तो फिलहाल आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।